मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम क्लास फर्स्ट में इसके कुछ टॉपिक्स, कुछ डेफिनेशंस, कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। वो क्या थे? डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप कि जो बुक के क्वेश्चंस थे वो भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे, हमारा जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन, इनकी डेफिनेशन क्या है, क्यों हम इनको यूज में ले रहे हैं, सिलेबस में कितना हमें इसके बारे में पढ़ना है, हमें क्या इसकी जानकारी लेनी है, और इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है हम इस वाले क्लास में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या करा इस इक्वेशन में, दो कांस्टेंट
एसिड को निकालना है। इसकी डेफिनेशन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। तो मेन जो हमारे पास है वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन। हमें सबसे पहले कोई भी जनरल सॉल्यूशन दिया होगा, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालनी होगी, तो जनरल सॉल्यूशन हमें आना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम्स के लिए कि एक नंबर में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, गॉटन बाय द यूजफुल मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारी तीन डेफिनेशन हो गई, जनरल, पर्टिकुलर एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हम इनके बेसिस पे एग्जाम्पल करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन होज जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू dy अपॉन dx माइनस का x
और इक्वेशन 5 से किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 5, तीन और पांच इक्वेशन से a और b की वैल्यूज इक्वेशन 1 में क्या करनी है, पुट करनी है। y इक्वल टू क्या है इक्वेशन फर्स्ट, ax स्क्वायर प्लस bx। a की वैल्यू यहां से निकालो, 2 से क्या कर दो इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 1/2 d2y/dx स्क्वायर। ओके, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, x स्क्वायर से। इस इक्वेशन को मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b की वैल्यू इक्वेशन 5 से dy/dx माइनस का x d2y/dx स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई हो गया x से। अब जो एक बात है वो मैं नहीं क्लियर कर देती हूँ, कुछ लोग इसे d2y/dx² बोलते हैं, कुछ d2y/dx² बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली जो इनका मीन्स है वो दोनों का सेम है, ठीक है। d2y/dx² भी बोल सकते हो, स्क्वायर भी बोल सकते हो, इसमें कोई भी हेजिटेशन मत करना। तो हमने क्या करा, a और b की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया, y बराबर इसे क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो x²/2 d2y/dx² प्लस x का मल्टीप्लाई x dy/dx माइनस का x² d2y/dx² is the solution of following
डी टू है अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या करते हैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, तो हमारी इक्वेशन जल्दी भी
यहाँ पे ए और बी की कॉन्स्टेंट हमें लिखने हैं। ए के साथ किसका कोफिशियंट है? एक्स स्क्वायर का। तो ऊपर मैं लिख देती हूँ ए बी एंड जो भी हमारा इक्वल टू के बाद है, जो भी हमारा कॉन्स्टेंट है वो, ठीक है। ए का कोफिशियंट क्या है? एक्स स्क्वायर। बी का कोफिशियंट वाई स्क्वायर। और इक्वल टू के बाद क्या दिया हुआ है हमें? इसे मान लेते हैं, मैं जेड मान लेती हूँ, सी मान लेती हूँ, इसको क्या है? वन। इक्वेशन दो, इक्वेशन दो में ए का कोफिशिएंट एक्स, बी का कोफिशिएंट वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू के बाद जो हमारा सी है वो क्या है? जीरो। इक्वेशन तीन को यूज करते हैं। इक्वेशन तीन में ए का कोफिशिएंट वन, बी का कोफिशिएंट वाई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy upon dx का होल स्क्वायर, और जो c है वो क्या है? जीरो। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं, और आफ्टर सॉल्यूशन इसमें से a b c को तो हम रिमूव कर ही दिया, जो भी आएगा वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा मीन्स हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई किससे किया? जीरो से, प्लस इन दोनों का होगा जीरो इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस। बीच वाले को लिखने से पहले हम माइनस का साइन लगाते हैं, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब इस तरह से इस इक्वेशन को रख लो, और इस कॉलम को हम क्या करेंगे? रख लेते हैं, क्या करा? मल्टीप्लाई करा, एक्स इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू वन प्लस तीसरा हमारा क्या है? वन। अब क्या करते हैं, इस कॉलम और इस रो को कवर कर लेते हैं, क्या बचा? x का मल्टीप्लाई y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे एंड y डी वाई अपॉन डी एक्स का वन से माइनस का y डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वन, इसका मल्टीप्लाई जीरो से, इसका मल्टीप्लाई जीरो से, क्या हो गया? जीरो। सेम ये वाला भी क्या हो गया? जीरो। क्या बचा हमारे पास? एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ गई हमारे पास? एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसमें हमने कोफिशिएंट लिए हैं किसके? ए और बी के। जब हमने तीनों इक्वेशन के कोफिशिएंट लिए, मैट्रिक्स बनाए, और मैट्रिक्स से हमने क्या कर लिया? इसे सॉल्व कर लिया। अगर हम इसे रिमूव करते, पहले बी की वैल्यू निकालो फिर ए की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वेशन वन में पुट करो, तो लेंथी भी हो जाता और गलती होने के भी चांसेस ज्यादा रहते। लेकिन मैट्रिक्स से ये इजीली सॉल्व हो गया, और जो हमारे पास ये आई है ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका जनरल सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। तो हमारे पास आज हमने क्या करा? सबसे पहले तीन डेफिनेशन देखी, पर्टिकुलर, जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन की। तो जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमारा मेन है। जनरल सॉल्यूशन क्या डिफाइन करता है? कि जितने उसका ऑर्डर होगा उतने ही उसमें क्या होंगे? हमारे कांस्टेंट होंगे। जब जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज निकाल के अगर हम उस इक्वेशन में पुट करते तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर वो नहीं देता उसका मतलब, तो वो ही सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जनरल सॉल्यूशन को हमें लेना है, जितने कांस्टेंट है उतनी बार उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी उसमें कांस्टेंट है